बलूचिस्तान प्रांत के स्वास्थ्य मंत्री फैज काकर ने बीबीसी की संवाददाता ख्वाजा नूर नासिर को बताया कि इन धमाकों में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नेता नवाबजादा सिराज रईसानी की भी मौत हुई है। सिराज के भाई और पूर्व सीनेटर लाशीशारी रईसानी ने भी बीबीसी से बातचीत में अपने भाई की मौत की पुष्टि की है। मास्तोंग जिले के डिप्टी कमिश्नर खान लशहरी ने बीबीसी उर्दू संवाददाता मोहम्मद काजिम को बताया है कि ये धमाका क्वेटी तेहसाना हाईवे के उत्तर पूर्व और क्वेटा से कोई 35 किलोमीटर दूर हुआ है। बताया जा रहा है कि इस धमाके के लिए इस्तेमाल बम में 8 से 10 किलोग्राम विस्फोटकों और बॉल बियरिंग का इस्तेमाल किया गया था, जिसके चलते यह काफी खतरनाक साबित हुआ है। सिराज रईसानी बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री नवाब असलम रईसानी के भाई हैं और इस इलाके में अपने भाई के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं। उनके भाई असलम स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर पीबी ढन मास्तोंग से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी इलाके में सिराज पर 2011 में भी जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन तब वे हमले में बच गए थे, लेकिन उनके युवा बेटे की मौत हो गई थी। ये हमला कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते एक साल में ये पाकिस्तान में हुआ सबसे बड़ा हमला है।